हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी। आज के अपने इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ आपके सीटीटी 2018 का जो क्वेश्चन पेपर है जो होने जा रहा है उसको लेकर के, साथ में जो आपका एलटी ग्रेड का जो एग्जाम है जो कि आपका 29 जुलाई को होने जा रहा है। एडमिट कार्ड आपका आ गया है यूपी पीएससी की तरफ से एलटी ग्रेड का, तो आप उसको एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में DSSB के लिए, तो आप उस सभी के लिए जो भी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट है उन सभी के लिए आप पढ़ सकते हैं इसको। मॉक टेस्ट नंबर 1 पर्यावरण अध्ययन यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज को लेकर के, तो अगर मैं बात करूं ये मेरा जो है दूसरा टेस्ट होगा मॉक टेस्ट को लेकर के। अगर मैं बात करूं तो इसमें जो पहला मॉक टेस्ट था वो था बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का, जो कि मॉक टेस्ट नंबर 1 था बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र विषय को लेकर के। उसको भी आप देख सकते हैं, मैं लिंक जो है यहाँ पर आई बटन में दे रहा हूँ, आप यहाँ से देख सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में भी जाके देख सकते हैं। तो बिल्कुल आप अपनी तैयारी यहाँ से जो है कर सकते हैं, अपने आप को यहाँ से जो है जज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपको क्या कुछ कितना आता है। मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर मैं जो है मैंने 15 क्वेश्चन का टारगेट रखा था, फिलहाल अब मैं 20-20 क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। तो आप सभी को डेली 8 बजे यानी कि 8 PM एवरीडे 8 PM आपको जो है CTET और आपका जो DSSS है, HTET की बात करें, UPTET की बात करें, इन सभी से संबंधित जो आपका जो सिलेबस है उससे संबंधित आपको जो है वीडियो एक मिल जाया करेगा 8 बजे। तो आप वीडियो को जरूर देखें, औरों को भी बताएं इसके बारे में। तो चलिए आज बात करते हैं। फिलहाल ये जो वीडियो है ये आपका लगभग 9:30 के आसपास, 9:30-10 के आसपास आएगा जो है आज। कल से जो है रेगुलर टाइम पर जो है वीडियो आप सभी को मिलेगा 8 बजे CTET से रिलेटेड आपका। चलिए फिलहाल बात कर लेते हैं जो है मॉक टेस्ट पर्यावरण अध्ययन को लेकर के। पहला सवाल इसमें है, पहले मैं 20 क्वेश्चन दूंगा, इनको आप अपने आप से जो है चेक करने की कोशिश करिए कि आप कितने हद तक सही हैं, क्या कुछ आपका आंसर आता है, और लास्ट में मैं उत्तरवाला आंसर शीट जो है दूंगा इसकी। तो बात कर लेते हैं, पहला इसमें निम्नलिखित में से जीव जंतुओं के आवास होते हैं, तो वायु में है, जल में है, स्थल में है, या उपर्युक्त सभी में, इनमें से आपको जो है चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं, जल में लवण मिलाने पर क्या होता है, यानी कि जब आप जो है सॉल्ट को जो है वाटर में जो है डिजोल्व करेंगे तो क्या कुछ देखने को मिलेगा। इसमें क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है पर बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही है, या क्वथनांक में कमी आ जाती है डिक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, या क्वथनांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता नो इफेक्ट ऑन बॉइलिंग पॉइंट, या जो चौथा है हिमांक में वृद्धि हो जाती है जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट है वो इंक्रीज कर जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं हम, फूल गोभी का खाने योग्य जो भाग है वो पुष्प है या कलिका है या फल है या फिर पुष्पक्रम है, इनमें से आपको बताना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लिखा है कि एक अच्छे आवास निर्माण आमुख को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, ग्रह स्वच्छता बी ऑप्शन में है वायु की दिशा, सी है आपका सूर्य का भ्रमण चक्र, और जो डी दिया हुआ है वह है उपर्युक्त सभी। अगले सवाल के बारे में बात कर लेते हैं आपका, जो क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रतिवर्ष मनाया जाता है, कब मनाया जाता है आपका। ऑप्शंस में है 25 दिसंबर को, बी में है 27 जनवरी को, सी ऑप्शन आपका है 5 मई को, या डी है 5 जून को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, पौधे अपना भोजन निर्माण प्रक्रिया के लिए वायुमंडल से लेते हैं, या वायुमंडल से कौन सी गैस लेते हैं, तो इनमें से आपको बताना है। ऑप्शन ए जो है वो है ऑक्सीजन, मैंने लिख दिया है O2 भी बोलते हैं इसको, जो इसका संकेत है, वो संकेत की क्या बात कर रहे हैं, मतलब इसका जो है इसका जो फॉर्मूला है ऑक्सीजन का वो O2 है, कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात की जाए तो फॉर्मूला इसका CO2 हो जाएगा आपका, नाइट्रोजन की बात की जाए तो N2 है, ओजोन की बात है तो O3, इनमें से आपको चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं, इसमें कि पर्यावरण का दुश्मन वृक्ष है, यानी कि पर्यावरण का दुश्मन कौन से वृक्ष को कहा जाता है। ऑप्शन ए सागौन है, बी में आपका बबूल है, सी यूकेलिप्टस दिया हुआ है, और चौथा जो डी है वो है केला। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को लेकर के, इसमें दिया है कि सूर्य की सहायता से विटामिन डी का संश्लेषण कहाँ होता है। ऑप्शंस में आपके हैं ए जो है वो यकृत में, बी आपका है आमाशय में, सी त्वचा में, या डी आपका हृदय में। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात कर लेते हैं, पुष्कर मेला आयोजित कहाँ पर होता है, खड़गपुर में है, हैदराबाद है, उज्जैन है, या अजमेर है, इनमें से आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 9। आगे बात कर लेते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पूछता है आपसे कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार, राष्ट्रीय संस्था है, राष्ट्रीय वन संस्था है जो है, तो राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना अनिवार्य है। ऑप्शंस में आपका ए है 33%, बी है 23%, सी आपका है 43-43%, और उसके बाद डी जो है वो है 21%, यानी 21%। क्वेश्चन नंबर 11 आपका दिया हुआ है,
ग्रीन पीस क्या है, ग्रीन पीस के बारे में आपको बताना है। ऑप्शन ए में है पर्यावरण योजना है ग्रीन पीस, या बी में दिया है शिक्षा संबंधी योजना है कोई, या सी दिया है स्वास्थ्य नीति है कोई, या इनमें से कोई नहीं। ग्रीन पीस को लेकर के ये क्वेश्चन हो गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। इसमें दिया हुआ है आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम की बात हो रही है यहाँ पे, का मुख्यालय कहाँ पर है। तो आपका ऑप्शन जो है वो है जेनेवा में, बी जो है वो नैरोबी यानी केन्या में दिया हुआ है, सी आपका दिया है वॉशिंगटन या यूएसए में, और जो डी है वो है मॉस्को यानी रूस में। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। इसमें 13 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है। ध्यान रहे विश्व वन्य जीव कोष की यहाँ पर बात हो रही है। जैसे कि अगर मैं बात करूं जो है हमारा अशोक चक्र है जो कि लिया गया है सारनाथ के वहां से, ठीक है, अशोक स्तंभ, वैसे ही जो विश्व वन्य जीव कोष जो संस्था है इसका जो प्रतीक है सिंबल है वो उसमें किस पशु को लिया गया है। ऑप्शन में आपका पांडा, बी में दिया हुआ है भालू, सी में हाथी है, और डी में आपका शेर है। इनमें से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो सफोकेशन क्या है। तो सफोकेशन के बारे में ए इसमें है ऑक्सीजन की कमी से आपका संबंधित है जो सफोकेशन है, या ऑक्सीजन की अधिकता, ध्यान रहे जिसका मैंने यहाँ पर सूत्र लिख रखा है रासायनिक सूत्र जो है O2 की अधिकता यानी कि ऑक्सीजन की अधिकता, सी में लिखा हुआ है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की कमी, या फिर डी ऑप्शन है आपका कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता। इनमें से आपको चूज करके बताना है। आप आंसर्स अपने आप में जो है इतना मैं समय दे रहा हूँ, आप अपने आप से आंसर जो है इनमें से खुद से टिक करते जाइए, खुद से देखिए कि आप कितना कुछ जो है तैयार कर चुके हैं। बाकी आंसर शीट तो भी लास्ट में मैं बताऊंगा ही, ठीक है। अगला बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। इसमें लिखा हुआ है कि प्रदूषक गैस CFC यानी कि मैं बात कर रहा हूँ क्लोरोफ्लोरोकार्बन की किन गैसों का संयुक्त रूप है। जब आप ग्रीन हाउस इफेक्ट देखेंगे तो उसमें भी काफी कुछ जो है योगदान देती है ये CFC की बात की जाए, ठीक है। तो इसमें है आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है क्लोरीन, फ्लोराइड और कार्बन। मैंने पूछा है इसमें CFC इनका मतलब क्या है इसमें, तो सी फॉर क्लोरीन, एफ फॉर फ्लोराइड या सी फॉर कार्बन। नेक्स्ट भी ऑप्शन क्लोरीन है, फॉस्फोरस या कार्बन है, उसके बाद सी ऑप्शन है क्लोरीन है, फ्लोरीन है या कार्बन है, उसके बाद जो डी ऑप्शन है वो है कार्बन है, फॉस्फेट है या क्लोरीन है। तो इनमें से आपको चूज करना है कि इस CFC में किन किन गैसों का जो है स्वरूप या जो है संयुक्त रूप देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। इसमें भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहते हैं। ध्यान है कि मैन ऑफ ट्रीज जिसको बोलते हैं वो कौन है। ऑप्शन में आपका दिया हुआ ऑप्शन बहुत ध्यान से आप पढ़ें, NL बहुगुणा, बी ऑप्शन में है SL बहुगुणा, सी ऑप्शन दिया हुआ है आपका S रामास्वामी, और डी जो है वो R सैयद। इनमें से आपको चूज करके बताना है कि कौन है मैन ऑफ ट्रीज इंडिया का। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 आपका लिखा हुआ है सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। तो आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट दिया हुआ है, ट्रॉपिकल वर्षा वन जो आपके ए हैं, बी दिया हुआ है आपका कर्क रेखा के निकट यानी कि नियर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सी ऑप्शन में दिया हुआ है मकर रेखा के निकट यानी कि नियर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात हो रही है, और डी दिया है आपका ईस्टर्न घाट यानी कि आपका पूर्वी घाट में। इनमें से आपको चूज करके बताना है कि सर्वाधिक जैव विविधता यानी कि जो मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी जो देखने को मिलती है वो किस रीजन में देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 18 में है आपका पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 21 अप्रैल को, 22 अप्रैल को, या 23 मार्च, या फिर 5 जून को। क्वेश्चन नंबर 19 आपका पूछ रहा है इसमें रेड डेटा बुक का संबंध किससे है, हाथियों की संख्या से, मतलब कहने का ये है कि कुल हाथियों की संख्या से, बी आपका दिया है जानवरों की कुल संख्या, सी दिया है विलुप्त संकटग्रस्त जीवों से, या इनमें से कोई नहीं, नन इनमें से कोई नहीं। रेड डेटा बुक के बारे में बताना। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है CNG का फुल फॉर्म क्या है। पहला ऑप्शन है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, बी दिया है क्रिटिक नेचर गोल, सी दिया है कॉम्पैक्ट नेचुरल गैस, और डी दिया है इसमें कंसंट्रेट नेचुरल गैस। तो ये हो गए जो है ऑप्शंस आपके क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। ये थे आपके जो है EVS के 1 से लेकर के 20 तक के सवाल। चलिए बात कर लेते हैं इसके आंसर शीट को लेकर के। आपका मैंने बता दिया है आंसर शीट में कि कौन सा ऑप्शन किसमें सही होगा। खुद को मिलाएं, देखें, चेक करें कि कितना कुछ आपका सही जाता है। पहले का है डी यानी उपर्युक्त सभी, इसमें जो आपका देखने को मिलेगा। मैंने पूछा था इनमें से जीव जंतुओं के लिए जो आवास है वो कौन सा है, तो आपके वायु में भी रहते हैं, जल में भी रहते हैं आपके जो है, और स्थल में भी जीव जंतु देखने को मिलते हैं। अब जब 2 का ए है इसमें क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, जब आप पानी में जो है जल पानी में जब नमक को मिला देंगे तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का है डी पुष्पक्रम, यानी कि इसमें मैंने पूछा था आपका जो है कि फूल गोभी का खाने योग्य भाग, तो पुष्पक्रम होता है।
कॉलीफ्लावर की बात हो रही है फूलगोभी की, ठीक है। फोर का डी है, फोर में पूछा था कि अच्छे आवास निर्माण वाला जो क्वेश्चन था उसमें सभी होगा, विश्व पर्यावरण दिवस ये 5 लिखा हुआ है, ध्यान रहे 5 जून को, ऑप्शन डी आपका सही है। 6 का बी है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जो पौधे होते हैं, ध्यान रहे पौधे अपना भोजन जो बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, जबकि मानव में इसका जस्ट उल्टा होता है, ठीक है, ध्यान रहे यहाँ पे आदमी की बात नहीं हो रही यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 में है सी, जिसको हम बोलते हैं एक तरीके से प्रकृति का विनाशक जो वृक्ष होता है वो यूकेलिप्टस है, ध्यान रहे यूकेलिप्टस को इसीलिए बोलते हैं विनाशक क्योंकि जब भी आप खेत में यूकेलिप्टस का पेड़ लगाते हैं तो सबसे ज्यादा, अगर वृक्षों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा पानी या वाटर की जरूरत होती है इसको जो है ग्रो करने के लिए, इसको बढ़ने के लिए, ठीक है, इसीलिए इसको जो है प्रकृति का विनाशक वृक्ष भी के नाम से जाना जाता है। 8 का सी आपका त्वचा में है, 9 का डी अजमेर राजस्थान में पुष्कर मेले की बात हो रही थी। अगर वन नीति की बात की जाए तो 33% जो है क्षेत्र पर वन जो है रखा गया है, टारगेट कितने परसेंट क्षेत्र पर होना ही चाहिए। 11 का ए होगा आपका पर्यावरण योजना। 12 का बी है आपका नैरोबी केन्या में पड़ता है, जो मैंने बोला था कि पांडा उसका जीव होगा। 14 का आपका ए हो जाएगा ऑक्सीजन की कमी, सांस फूलना, जब सफोकेशन होता है उसमें क्या होता है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसी को सांस फूलना बोलते हैं हिंदी में। 15 नंबर क्वेश्चन का सी होगा क्लोरो फ्लोरो कार्बन होता है फुल फॉर्म उसका, तो क्लोरीन फ्लोरीन बोले या फ्लोरीन बोले आप जिसको, इसमें जो है कार्बन इसमें होगा। 16 का बी SL बहुगुड़ा यानी कि सुंदर लाल बहुगुड़ा, ये वही उत्तराखंड के चिपको आंदोलन वाले हैं जो है, तो सुंदर लाल बहुगुड़ा को जो है प्रकृति का आदमी बोला जाता है, ठीक है, ऑप्शन आपका दिया हुआ था इसमें वृक्षों का आदमी या प्रकृति का आदमी आप जो भी बोले। उसके बाद जो है 17 का ये है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी जो है वो यहीं पर देखने को मिलती है। बात करते हैं जो है 22 अप्रैल को आपका मनाया जाता है, आपका क्वेश्चन दिया हुआ था कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, वो है 22 अप्रैल को। रेड डेटा बुक के बारे में अगर बात की जाए तो इसका 19 का सी होगा विलुप्त संकटापन्न जीवों से, जो रेड डेटा बुक है वो इन्हीं को बताता है आपका। रेड डेटा बुक उसका नाम ही इसीलिए है कि ये संकटापन्न है यानी कि खत्म होने के कगार पर है, इसलिए वो रेड उसके नाम से दिया गया है। 20 का आपका ए है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये है आपका CNG। तो फिलहाल मित्रों इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो जितना ज्यादा हो सके शेयर करें औरों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं नए यूजर्स हैं ऐसे ही वीडियोस और आगे देखने के लिए। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।